आज क्या प्रातः क्लास है 8/9/1964 मंगलवार रिकॉर्ड चला है रात के राही थक मत जाना सुबह की मंजिल दूर नहीं रात के राही कहाँ जा रहे हैं दिन की ओर जा रहे हैं और दिन कहा ही जाता है सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं की दुनिया को और रात कही जाती है कलयुगी भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय को ये तो तुम जानते हो कि हम आज से 250 वर्ष पहले हाँ जी ये तो तुम जानते हो कि हम आज से 250 वर्ष पहले ही भ्रष्टाचारी थे तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम कोई शुरू से भ्रष्टाचारी थे जैसे शास्त्रों में दिखाया हुआ है शास्त्रों में भारत को भ्रष्टाचारी सतयुग के आदि से बैठ के लिखा है कि राधे कृष्ण भ्रष्टाचारी थे सीताराम भ्रष्टाचारी थे और उनके पीछे तो है ही रावण राज्य तो भ्रष्टाचारी कह करके सारी दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाई दिया है अब ये तुम बच्चे जानते हो कि यादव और कौन से संप्रदाय को सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता में भ्रष्टाचारी गाया हुआ है और बरोबर पांडव संप्रदाय को फिर श्रेष्ठाचारी बनाने वाला कोई कहा गया है क्योंकि पांडव संप्रदाय सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाए रहे हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि हमको सर्विस करनी है बाप के साथ क्योंकि बाप भी आए हुए हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया में तो मनुष्य समझते हैं कि ये सभी जो यहाँ भ्रष्टाचारी हैं वो सभी यहीं से श्रेष्ठाचारी बन जावे क्योंकि उनको ये तो पता नहीं है कि सतयुग में देवी देवताएं श्रेष्ठाचारी थे और जो पीछे भारत में पतित हैं वो उन पावन देवी देवताओं को श्रेष्ठाचारी समझ है अपन को भ्रष्टाचारी अर्थात पापात्मा समझ महिमा करते हैं पूजा करते हैं परंतु देखो वंडर है महिमा करते हैं परंतु उनको दिल से नहीं लगता है कि हमको कोई ऐसा बनना है
या ये कैसे श्रेष्ठाचारी बने थे? और भ्रष्टाचारी बनाने वाले इनको कौन थे? किस कीमत पर ये भारत भ्रष्टाचारी बनता है? ये भारतवासी खुद भी नहीं जानते हैं, गवर्नमेंट नहीं जानती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्वयं भ्रष्टाचारी है। तो फिर लड़ी मारते रहते हैं कि भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को श्रेष्ठाचारी बनाओ। अभी बनाएगा कौन? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को श्रेष्ठाचारी क्या पब्लिक बनाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट यथा राजा रानी तथा प्रजा, जबकि ऐसे है तो कांग्रेस गवर्नमेंट या कौरव गवर्नमेंट, बात तो एक ही हो जाती है भाई, गवर्नमेंट ही भ्रष्टाचारी है। क्यों भ्रष्टाचारी है? क्योंकि ये गवर्नमेंट रिलीजियस है, उनको अपने धर्म का कोई भी पता नहीं है कि आखिरीन में हम स्वयं भारतवासी कोई श्रेष्ठाचारी थे। ये बात का उनको पता भी नहीं है। देखो, गवर्नमेंट को ही पता नहीं है। ये भारत के लिए ही कहा जाता है कि भारत को श्रेष्ठाचारी भारतवासी बनावेंगे, परंतु जबकि गवर्नमेंट ही भ्रष्टाचारी है तो कौन बनावे? कहेंगे जरूर कोई दूसरी गवर्नमेंट चाहिए। कहां है? कहां चाहिए? भारत में दूसरी गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय में ये कांग्रेस गवर्नमेंट खुद कहती है कि बरोबर हमारी गवर्नमेंट के ऑफिसर सभी भ्रष्टाचारी। अभी ये तो गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट ही भ्रष्टाचारी, तो फिर यह था राजा रानी तथा प्रजा, ऐसे ही कहेंगे। भले राजा रानी नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट नाम तो है ना। जबकि इसको भारत की राजधानी कहो, सावरेंटी को राजधानी कहते हैं, जबकि राजधानी भ्रष्टाचारी है, तो फिर जरूर कोई और गवर्नमेंट चाहिए। जो इनको श्रेष्ठाचारी बनावे। बरोबर गाया जाता है कि पांडव गवर्नमेंट ने आकर के इस कौरव गवर्नमेंट को श्रेष्ठाचारी बनाया, बाकी कौरव गवर्नमेंट को श्रेष्ठाचारी कैसे बनावेगी?
8964 की वाणी का दूसरा पेज। ये तो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है कि कौरव गवर्नमेंट को शिष्टाचारी का बनावे। तो इनको ये समझानी देना पड़े। अब ये समझाने भी कौन देवे? ये समझानी तुम बच्चों को देनी है। तुम पब्लिक में भाषण भी तो करते हो ना, तो तुम लोगों को हिम्मत चाहिए, समझ चाहिए, क्योंकि वो भी प्रजा कहती है कि भाई ये भ्रष्टाचार है और ये शिष्टाचार है। समझा ना? अभी तुम वो पांडव गवर्नमेंट के ऑफिसर से प्रजा, तुम्हारे में प्रजा भी है, ऑफिसर्स भी है। प्रजापिता ब्रह्मा की तुम प्रजा हो, तुमको भी ऐसी अच्छी तरह से अखबारों में डबलवाना पड़े कि जबकि गवर्नमेंट स्वयं भ्रष्टाचारी है और यथा राजा रानी तथा प्रजा भी ऐसी है, तो शिष्टाचारी कौन बनावेगा? है अन्ना हजारे, रामदेव, वो गवर्नमेंट की प्रजा नहीं है? ये प्रजा तो गवर्नमेंट को नहीं बना सकती है। लानिंग कहता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद कहती है कि बरोबर भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट और अभी शिष्टाचारी गवर्नमेंट ये है, परंतु इन भारतवासियों को तो कुछ भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? है? भारतवासियों को इसलिए नहीं मालूम है, ये भारतवासी अंधे की औलाद, अंधे। कौन है भारत में अंधे? हैं? धृतराष्ट्र। क्या मतलब हुआ धृतराष्ट्र का? धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिन्होंने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति अपनी मुट्ठी में कर ली, कौन है वो? है? अरे कौन है? गौरव गवर्नमेंट के पास है, भीख मांगती रहती है दूसरे देशों से। है? जिसके पास सारे राष्ट्र की धन संपत्ति मौजूद होगी वो दूसरों से भीख मांगेगा? ऐसे कौन है भारत में? जिनकी मुट्ठी में सारे राष्ट्र की धन संपत्ति आ चुकी है और कौरव गवर्नमेंट के बड़े बड़े नेताओं को भी धन बांटते रहते हैं, वोटिंग के लिए। उनको धन न मिले तो जीत नहीं सकते।
नहीं ध्यान में आया हाँ जी भारत के बड़े बड़े पूंजीपति जिन पूंजीपतियों के हाथ में सारे राष्ट्र की संपत्ति आई हुई है नहीं तो पसीने की कमाई से कोई अरबपति शंखपति बन सकता है बन सकता है अभी इनको अंधा किसने बनाया जो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए धन बटोरने में लगे हुए हैं वो अंधा बनाने वाला रावण जिसकी एक जी बना करके जलाते रहते हैं रामलीला मनाते हैं रावण की एक जी बनाते हैं ना रावण ने अंधा बनाया कैसे रावण ने सिर्फ उन्हीं को अंधा बनाया क्या और भारत की प्रजा अंधी नहीं है, है? प्रजा अंधी नहीं है है तो अंधी लेकिन प्रजा के लोग भारत के लोग बौदा करके गरीब हैं या साहूकार हैं गरीबों को भौतिकवादी दुनिया का सुख कहां से मिलेंगे मिलेंगे तो ज्यादा अंधे कौन हो रहे हैं जो समझते हैं कि भौतिकवाद के आधार पर हमको सच्चा सुख मिल सकता है देखो अभी दशहरा आता है ना तो तुम लोगों को समझ जाना चाहिए भाषण करना चाहिए ये रावण की जो तुम एफिजी जलाते हो अभी दशहरा आएगा ये रावण की एफिजी जलाना ये भ्रष्टाचारियों के उत्सव हैं ये तुम पांडव गवर्नमेंट्स के उत्सव नहीं है ये है कौरव गवर्नमेंट के उत्सव तो उनको समझाना है कि रावण ने भारत को भ्रष्टाचारी बनाया और जबकि गवर्नमेंट ही सारी भ्रष्टाचारी है तो जरूर कोई और गवर्नमेंट चाहिए ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो इनके ऊपर चढ़ाई कर सके क्या इनके ऊपर भ्रष्टाचारी कौरव गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ाई कर सके
तो क्या फिर सभी शिष्टाचारी बन सकेंगे? हैं? मान लो चढ़ाई कर ली तो सभी शिष्टाचारी बन जाएंगे? नहीं, जब भारत शिष्टाचारी था तो भारत अकेला था। ये क्या बात हुई है? अकेला भारत ही शिष्टाचारी था। और कोई भी भारत में गवर्नमेंट ही नहीं थी, न विलायत की गवर्नमेंट न फलाने की। और तब बरोबर भारत बहुत शिष्टाचारी था। और श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्रता को। भ्रष्ट कहा जाता है पवित्र को। अभी उनको ये पता तो नहीं है कि बरोबर यह पवित्र भारत होने के कारण ये विशेष या वैश्यालय होने के कारण विशेष में रहने वाले को विश्व वैश्यालय में रहने वाले को विशेष कहा जाता है, और जो शिवालय में रहने वाले हैं उनको वाइसलेस कहा जाता है। तो ये समझने की बातें हैं ना। अब ये इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी शंख ध्वनि कौन करे? तो जरूर जो महारथी होंगे, जिनकी शेर पर सवारी होगी, या हाथियों पर सवारी होगी, वो ही गजगोर कर सकेंगे। इसके सामने है और गवर्नमेंट की जो राजधानी है, भ्रष्टाचारी राजधानी दिल्ली, उसकी ओर गजगोर कर सकेंगे। ऐसा कोई नक्शा है? है? अव्यक्तवाणी में तो बोला हुआ है। क्या यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है? और जो नक्शा बना हुआ यूपी का, अभी तो उस यूपी के नक्शे को भी खंडन कर दिया। पहले नक्शा कैसा था? हैं? शेर की तरह नक्शा था, और उसके मुंह में गाजियाबाद शहर बसा हुआ है। जो शेर की गजगोर करने की यादगार है गाजियाबाद। पहले गजगोर या बाद में गजगोर? हैं? बाद में गजगोर, शेर की गजगोर, शेर की दहाड़।
बाकी तो बेचारे गजगोर नहीं कर सकेंगे। सेना तो क्योंकि है ना इनमें, इनमें महारथी हैं, घोड़े सवार हैं, बकरी सवार हैं, रीढ़ सवार हैं, ऊंट सवार हैं, क्योंकि सवारियां तो बहुत होती हैं। बाप ने भी आकर के सवारी की है ना, हैं? भी क्यों लगा दिया? अरे बाप ने आकर किसकी सवारी की? मना यूपी है? यूपी माना क्या है? यूपी माना शेर। यू माने तुम, पी माने पियो, क्या तुम सबसे जास्ती पियो, तो जिसमें सवारी की क्या पीने के लिए बात है, हैं? ज्ञान जल पीने की बात है। वो कोई रीढ़ या बकरी के ऊपर तो सवारी नहीं करेंगे ना, हैं? बाप आवेंगे तो रीढ़ बकरियों पर सवारी करेंगे क्या? करेंगे? मनुष्य के ऊपर सवारी की है, माना रीढ़ बकरियों में ये मिसाल क्यों दिया? रीढ़ बकरियां पीछे पीछे चलने वाली होती हैं, अपनी अकल, अपनी अकल नहीं चलाती, क्या करना है क्या नहीं करना है फैसला नहीं कर पाती, तो पीछे पीछे चलती है। और शेर पीछे पीछे चलता है क्या? जरूर जिसके ऊपर सवारी करेंगे वो भी तो उनका कोई गजगोर करने वाला पहलवान होगा। उनका किनका है? अरे जरूर जिसके ऊपर सवारी करेंगे कौन करेंगे? शिव बाप। जिसके ऊपर सवारी करेंगे वो भी तो उनका कोई गजगोर करने वाला पहलवान होगा। तो देखो गजगोर तो वो भी करते हैं, और वो भी करते हैं। वो माने कौन? एनिमल शेर भी गजगोर करता है, दहाड़ता है, और मानवीय शेर भी दहाड़ते हैं। इसलिए तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये गजगोर कौन करते हैं।
तो भी ये कहते हैं कि गजगोर शिव बाबा करते हैं है? गजगोर करने वाला असलियत में कौन हुआ? शिव बाबा जिसमें आते हैं वो या प्रवेश करने वाला कौन करते हैं? उनका नाम बाला है। और सुनकर के फिर यह भी कर सकते हैं, ये माने कौन है? ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल भी कर सकती है। और तुम भी कर सकते हो। परंतु तुम्हारे में भी गजगोर करेगा कौन? वो बहुत महावीर चाहिए। जो गवर्नमेंट को बिल्कुल सहज है, नहीं तो अखबार में डाल देना चाहिए। आठ नौ चौसठ की वाणी का तीसरा पेज बताते भी हो बरोबर ये सतयुग की शिष्टाचारी गवर्नमेंट। पहले पहले भारत में ही थी, अभी तुम सभी भ्रष्टाचारी बने हो, तो तुम इनकी महिमा तो जानते हो। कि किसने इन देवताओं को शिष्टाचारी बनाया और भारत को किसने शिष्टाचारी बनाया? बेचारों को पता नहीं है भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट को शिष्टाचारी नहीं बना सकती। जरूर कोई और चाहिए। तो बाप आकर कहते हैं कि मैं आता हूं यहां, कौन आता हूं है? बापों का बाप आता हूं, जो काम और धर्म पिताएं नहीं कर सके वो काम तो सब धर्म पिताओं का भी जो बाप है, जो बापों का बाप कहा जाता है वो यहां आते हैं। क्योंकि पतित और पावन की बात वो तो ठीक है, क्योंकि जो पतित होते हैं उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है और जो पावन होते हैं उनको शिष्टाचारी कहा जाता है। ये बात भी कोई गवर्नमेंट नहीं समझती है, वो तो पत्थर बुद्धि है। परमपिता परमात्मा माना परमात्मा क्या कहा यानी उनका नाम भी परमात्मा। अ
अंग्रेजी में भी उनको सुप्रीम सोल कहेंगे। उनसे पूछे तुम्हारे अंदर में क्या है, तब भी वो कहेंगे सोल, तो जरूर ये सभी सोल्स सुप्रीम नहीं है, हैं? सुप्रीमेसी एक की होगी या बहुतों की होगी, सब की होगी? एक है सुप्रीम सोल। कहता हूं उनको भी आत्मा, सोल माने आत्मा। तो सुप्रीम को कहने के कारण उनको परम पिता कहते हैं। क्योंकि कहते भी है सुप्रीम फादर, धर्म पिताओं का भी फादर, और धर्म पिताओं का भी जो बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन? आदम, एडम, प्रजापिता, आदिदेव, उसका भी फादर है कौन? शिव बाप। सुप्रीम सोल फादर ऐसे लिखते हैं। तो वो भी तो आत्मा ठहरी ना, वो कोई बड़ी चीज तो नहीं है। अब वो बैठ करके उनको याद भी करते हैं, उसको कोई नहीं कहते हैं वो गॉडफादर, आकर के हमको इस भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाओ। हैं? कोई भी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं, अंग्रेज लोग जो सुप्रीम फादर कहते हैं वो कहते हैं ये सुप्रीम फादर आकर के हम भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी बनाओ। तो कोई जानते ही नहीं है क्या कि सुप्रीम फादर ही आकर के दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को और यथा राजा तथा प्रजा को क्या बनाते हैं? भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाते हैं। सुप्रीम फादर के लिए नहीं समझते हैं, किसके लिए समझते हैं? है? वो समझते हैं ये साधु संत महात्मा, ये मुल्ला मौलवी, पादरी भी कहते हैं ना, ये लोग श्रेष्ठाचारी बनाएंगे। परंतु वो लोग तो भले गवर्नमेंट के कितने भी साधुओं को उठावे, जैसे गवर्नमेंट की हेड शिवानंद के पास जाती है, तो समझती है ना कि वो हमारे से ऊंचे हैं।
नहीं तो उनके पास क्यों जाते हैं? कुआ प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा? तो वो समझता है कि ये शिष्टाचारी है, परंतु सन्यासियों को तो शिष्टाचारी फिर बाप भी नहीं कहते हैं। बाप भी आकर के कहते हैं ये जो साधु संत सन्यासी लोग हैं वो भी तो पापाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इनको भी भूल जाओ, इनका भी उद्धार करने अर्थात श्रेष्ठाचारी बनाने मैं आता हूँ। क्या गीता में क्या कहा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो तुम बच्चे जानते हो कि मनुष्य जो इस समय में भ्रष्टाचारी है सो पहले जरूर श्रेष्ठाचारी बनेंगे, क्योंकि पहले जो भी आएंगे वो पहले सत्व प्रधान है। कहाँ आएंगे है? अरे इस दुनिया में 5000 वर्ष के चक्र में जो भी आत्माएं पहले आएंगी वो जरूर है ज्यादा शिष्टाचारी है या कम? पहली पहले सतो प्रधान है यानी श्रेष्ठाचारी है, और जरूर पीछे आने वाले भ्रष्टाचारी है। सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, रजो से तमो। इस दुनिया की हर चीज का यही क्रम है, पहले सतो प्रधान बाद में रजो से गुजरते हुए तमो प्रधान। सबको ऐसे माना हर एक चीज को, मकान को, झाड़ को, कोई भी चीज को उठाओ तो पहले सतो प्रधान पीछे सतो रजो तमो, और ये क्रम तो सबका होना ही है। है? सबका होना है। जो जो इस सृष्टि पर आते हैं सबको इन चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अरे गुजरना पड़ता है या नहीं? अच्छा सबको गुजरना पड़ता है, है? जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं उसको भी गुजरना पड़ता है, तो सभी को क्यों का? वो सृष्टि पर नहीं आता? आता है ना। इस सारे मनुष्य सृष्टि को श्रेष्ठाचारी कौन बनावे बताओ? अब कौन बनावे है? जो भी मनुष्य मात्र है सबको भ्रष्टाचारी बनना पड़ता है, श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी। एक ही सुप्रीम फादर है जिसको इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी नहीं बनना होता। वो सदैव ही शिव है, कल्याणकारी है, सिर्फ श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है।
इस सृष्टि में पिछाड़ी भी तो चलती है ना। शिष्टाचारी सबको बनाते हैं, ऐसे तो नहीं है कि सबको माने 500 करोड़ों को शिष्टाचारी कोई स्वर्ग में ले आएगा, नहीं। सभी आत्माओं को जो भ्रष्टाचारी बन गई है, जो तमो प्रधान बन गई है, उन सबको फिर शिष्टाचारी बनाते तो जरूर है, अर्थात सतो प्रधान जरूर बनाएंगे। सत्व प्रधान होने बिगर, पवित्र होने बिगर कोई भी आत्मा पवित्र धाम में नहीं जा सकती है। तो ऐसे कहेंगे कि सबको पतित पावन, बाप ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। तो जरूर सभी आत्माएं पावन बनती हैं। फिर देखो समझाया जाता है सभी आत्माओं को, और नंबर वार हर एक धर्म वालों को समझाया जाता है। देखो उन धर्म वालों में भी तो ऐसे ही है ना, क्राइस्ट होगा तो उनकी आत्मा को अच्छा पार्ट मिला हुआ है, पवित्र तो सभी बनते हैं। फिर आ जाते हैं पार्ट के ऊपर कि बरोबर क्राइस्ट को पार्ट सबसे अच्छा मिला हुआ है, जैसे अभी बाप को तो है ही सबसे अच्छा, सबसे अच्छा है कौन से बाप को, सबसे अच्छा पार्ट कौन से बाप को मिला हुआ है, चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ? हाँ, जब कंपैरिजन करेंगे तो शिव बाप का कंपैरिजन अन्य आत्माओं के साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, वो तो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है, वो तो अभोक्ता है। एक जाति की आत्माओं के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इस जाति में वो श्रेष्ठ है। तो बाप को सबसे अच्छा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो ही क्रिएटर है। कौन? वो ही कह करके दूर क्यों कर दिया? बोलने वाला तो ब्रह्मा के तने में बोल रहा है, हैं? जरूर है? वो पार्ट भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है कि कौन है क्रिएटर और कौन है डायरेक्टर है। वो तो एकदम सबसे जास्ती है। क्या
क्या सबसे जास्ती? अच्छे थे अच्छा सबसे जास्ती वो पीछे पार्ट किसको अच्छे थे अच्छा मिलता है वो बताओ है उसके बाद किसको मिलता है फिर यही ब्रह्मा और विष्णु इनका पार्ट अच्छा है ये दो हैं कि एक ही है ब्रह्मा विष्णु हैं अरे ब्रह्मा सो विष्णु एक ही है या दो हैं अरे एक ही है माने एक ही ब्रह्मा होता है क्या ब्रह्मा एक ही होता है हैं ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है ब्रह्मा तो चतुर्मुखी पंचमुखी भी कहा जाता है बाकी उनका तो पाठ विनाश का है किनकी तरफ इशारा किया हैं क्रिएटर की तरफ इशारा किया क्रिएटर बाप वो तो छोड़ दो सृष्टि को तो बदलना ही है कलयुग के बाद सतयुग आना है है कि कलयुग भी रहेगा कलयुग तो नहीं रहेगा तमो प्रधान युग तो नहीं रहेगा तमो प्रधान मनुष्य आत्माए तमो प्रधान कोई भी चीज नहीं रहेगी तो उनका तो विनाश होना ही है या नहीं होना है फिर अपने आप होना है या कोई निमित्त बने हैं? कोई न कोई निमित्त भी बनता है निमित्त वही बनता है ये विनाश का काम अच्छा है या बुरा है हैं? अच्छा है अच्छा है तो सारी सृष्टि अच्छा अच्छा करके मरेगी या हाय हाय करके मरेगी तो अच्छा है हैं हाँ ये कहेंगे कि जो अच्छे थे अच्छा पार्ट बजाता है वो ही बुरे थे बुरा पार्ट भी बजाता है तो कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है गाया जाता है ना ये विनाश वाला इसे ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित होती है कैसे इसका नाम क्या दिया है इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ का नाम क्या दिया है रुद्र ज्ञान यज्ञ रुद्र किसका नाम है मेरा नाम तो शिव ही है मेरी बिंदी का नाम शिव है वो कभी बदल नहीं सकता शिव का नाम रुद्र हो जाए ऐसे हो सकता है क्या है? अरे वो सदैव है वो आत्मा कल्याणकारी ही है या हाहाकार मचाने वाली भी है वो तो सदैव कल्याणकारी है वो एक ही आत्मा है
जो आदि मध्यंत भूत भविष्य वर्तमान सदैव सभी आत्माओं के लिए कल्याणकारी है, प्यार का सागर है। क्या वो कभी भी मार का सागर नहीं है? तो फिर रौद्र रूप दान करने वाला रुद्र कौन है? है जिसने कभी अच्छे से अच्छा रूप धारण किया होगा वो ही रौद्र से रौद्र रूप धारण करने वाला बनता है, जिसके नाम पर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, जिसके लिए कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। स्वाहा होगी तो अग्नि प्रज्वलित होगी ना, है कि कभी कभी ठंडी होगी, है उत्तरोत्तर वो अग्नि लगातार और ही भयंकर रूप से प्रज्वलित होती जावेगी कि ठंडी हो जावेगी, है और ही प्रज्वलित होती जावेगी। यज्ञ के आदि में भी ये हुआ था, आदि में सो अंत में विकराल रूप से होना है।